हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रदीप दुबे। दोस्तों, आप लोग में से काफी लोग सवाल पूछते हैं कि हमें फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बड़े आसानी से मिल जाए, कोई ट्रिक बताओ। तो मैंने रिसर्च किया और आप लोगों के लिए ये वीडियो ला रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, शायद आप इसे एक बार ट्राई करें, शायद एक काम कर जाए। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेके अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड लेने के लिए आप लोगों के पास ऐसे कुछ जुगाड़, कुछ ट्रिक अगर हो जाए तो आसानी से सब बैंक कार्ड मिल जाए। बट जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड है, जल्दी किसी को मिलता नहीं है। चलिए मेरा जुगाड़ के बारे में जान लीजिए आप। देखिए, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया था कि कभी भी कोई बैंक कार्ड अगर आपको लेना है तो आप लोग इस जुगाड़ को ट्राई करें। काफी लोग ट्राई किए, कार्ड उन्हें मिल गया, 100% मिला है। काफी लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है और उन्हें कार्ड नहीं मिल पाता है। देखिए, मेरा पहला जुगाड़ है कि चाहे आप महीने का 10,000 कमाते हैं, चाहे 20,000 कमाते हैं, चाहे 25,000 कमाते हैं, चाहे आप महीने का 15,000 क्यों नहीं कमाते हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आपके आपको कंपनी से कैश मिलता है, वो भी हैंड टू हैंड सैलरी मिलता है, कोई सैलरी स्लिप नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपने कंपनी में बात करना होगा। कंपनी में बात करने के लिए आपको ये बोलना है कि अगर मैं सैलरी स्लिप का जो फॉर्मेट है, अगर मैं उसे सीए के थ्रू या तो साइबर कैप के थ्रू अगर मैं तैयार करवा के लाता हूँ, तो क्या आप जो है इसमें अपने कंपनी का स्टाम्प और सिग्नेचर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ओनली इस चीज़ के लिए रेडी होती है तो फिर आपको कार्ड 100% मिलना ही मिलना है, क्योंकि बैंक आपको सैलरी बेस पे कार्ड देगा, लिमिट कम देगा, बट आपको जरूर देगा। इस ट्रिक को आपको जरूर ट्राई करना है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। क्योंकि कंपनी से आप जो सैलरी स्लिप बनवाते हो तो कंपनी का ओनर खुद नहीं बनाता है, वो अपने सीए से बनवाएगा, या तो वो सैलरी स्लिप जो है अपने किसी कर्मचारी से वो अपना ऑर्डर करके कि इतने लोगों का बनाना है, इतने मंथ के लिए देना है, तो वो आपको बनाकर देगा। जब वो सैलरी स्लिप बन के आती है तो सैलरी स्लिप का मान्य नहीं होता है। कारण समझिए पहले इसके पीछे का। जब तक कंपनी का उसमें स्टाम्प नहीं लगता है, जब तक कंपनी का जो भी हुनर है, उनके जो भी MD है, उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो सैलरी स्लिप कागज के समान है। क्योंकि उसमें जो सिग्नेचर लगेगा, जो कंपनी का स्टाम्प लगेगा, वो उसका पूरा तरीके से मान्य होगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का एड्रेस, सारी चीजें उसमें रहती है, बट इसके बिना वो सैलरी काम में नहीं आएगा। कोई वर्कर है वो तो कंपनी का GST नंबर, कंपनी का एड्रेस सबको जानता है, वो तो बना ही लेगा, बट मेन चीजें जो ए होती है, ए जरूरी होती है। तो ए अगर कंपनी के हुनर या MD अगर तैयार होते हैं तो आप आसानी से सैलरी बेस पे ले सकते हैं। अब आप बोलोगे, भाई मैं सैलरी फॉर्मेट कहाँ से तैयार करवाऊं? मैंने काफी वीडियो में आप लोग को बताया था कि देखिए, आप साइबर कैप या तो किसी सीए से बात कीजिए, वो आपका बनाकर दे सकते हैं। और पहले आपने कंपनी में बात कर लीजिए कि हमें कार्ड अप्लाई करना है, इसके लिए सैलरी स्लिप चाहिए, तो आपको बोलेंगे कि आप सैलरी स्लिप बनवा कर लाओ, फॉर्मेट तैयार करवा के लाओ, हम इसमें सारा डिटेल्स फिल कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, स्टाम्प लगा देंगे, सारा काम कर देंगे। तो आप देखते हैं कि एक सिक्का मारा जाता है, बैंकों में जाते हैं तो वही होता है कंपनी का मेन, उसमें वो कंपनी का नाम रहता है, उसमें सिक्का मार देते हैं, आप सिग्नेचर कर देते हैं, कंपनी का GST नंबर और चीज रहता है, आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे तो पहला ट्रिक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, पर पूरा काम का वीडियो है, इसे स्किप मत करना। अब यहाँ पे ये तरीका आपका 100% काम करेगा, जो मैं आपको अभी बताया हूं, ये बहुत काम का ट्रिक है। इस ट्रिक से काफी लोग कार्ड लिए हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। अब दूसरा ट्रिक है कि आप जो है
एक्सिस बैंक में पहले अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप किसी कंपनी जैसे कि बजाज हो गया, होम क्रेडिट हो गया, जेस्ट मनी हो गया, क्रेडिट बी हो गया, तरह तरह की कंपनियां हो गई, उनसे मोबाइल फाइनेंस करवा लो। मोबाइल फाइनेंस करवाने के बाद आप उनका टाइम पर बिल पेमेंट करो, वहां से आपका सिविल जनरेट हो रहा है और कंपनी में आपका बैंक में अकाउंट भी है, सिविल जनरेट वहां से कर लिया, अकाउंट यहाँ पे है। जब आपका सिविल जनरेट हो जाएगा अच्छा खासा 780-800 हो जाएगा, कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो आप जो है जो भी अलग अलग एजेंट आते हैं आप उनके थ्रू कार्ड अप्लाई करवाइए। अब उसे कार्ड अप्लाई करोगे तो आपसे मांगे क्या, सैलरी स्लिप का डिमांड करेंगे, आईटीआर का डिमांड करेंगे। तो आप जो है उनसे बोल देना कि हमारा जो है बैंक स्टेटमेंट के आधार पे हमारा कार्ड अप्लाई कर दीजिए। तो जो आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाए थे उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट डालना है, समझे ना, जैसे कि एक बड़ा अमाउंट डालना है जैसे कि 30K, 35K, 40K, तो ये अमाउंट उसमें आपका क्रेडिट हो रहा है, तो उसका स्टेटमेंट आप निकाल लेंगे और सिविल भी आपका हाई हो गया। जब एजेंट के पास जाएंगे और जब उनको बोलेंगे कि मेरा सिविल बहुत हाई है और आप अप्लाई करके देखिए मेरा कार्ड जरूर अप्रूव होगा, तो काफी अच्छे एजेंट हैं जो बढ़िया काम करते हैं, आप अप्रूव करवा देते हैं और वो जब आपका एप्लीकेशन सबमिट करते हैं रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक अप्रूव कर देता है। ये बहुत आसान तरीका है। मैं भी कार्ड अप्लाई करने के लिए एक एजेंट से बात किया था अपने टाइम में, तो पहले तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला सर मुझे कार्ड अप्लाई करवाना है, तो बताया कि सर देखिए कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआर और सैलरी स्लिप कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैंने बोला सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बट मेरा सिविल स्कोर बहुत हाई है, बहुत हाई है, और उस टाइम मेरा सिविल स्कोर 750 के ऊपर था, आज से 4-5 साल पहले। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना सिविल का पीडीएफ भेज दो। तो मैंने पीडीएफ भेज दिया, उन्होंने चेक किया तो देखे कि काफी अच्छा सिविल स्कोर है, तो बोले कि आप किस बैंक का कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने बता दिया कि मुझे इस बैंक का कार्ड लेना है, उस बैंक का स्टेटमेंट अटैच कर दिया और सिविल स्कोर भी मेरा अटैच हो गया, मेरा कार्ड अप्रूव हो गया। तो ये मेरा दूसरा जुगाड़ है, इससे आप कार्ड ले सकते हो, और एक्सिस बैंक ही नहीं आप किसी बैंक का स्ट्रिक से ले सकते हो, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। जब बैंक कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से आपका पैन कार्ड फर्जी हो गया, आधार कार्ड फर्जी हो गया, आप रहते हो विदेश में और कार्ड यहां से किसी से अप्लाई करवा रहे हो, तो फर्जी काम होता है, ये कोई फर्जी काम नहीं है, जेन्युइन काम है, अप्लाई कीजिए, कोई लॉस में आपका नहीं है, आपका कार्ड 100% अप्रूव होगा। तीसरा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है और आप चाहते हो मुझे कार्ड आसानी से मिल जाए, तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग आप कीजिए, ज्यादा सामान कैंसिल मत कीजिए, सामान बिना वजह का बिना किसी कारण कैंसिल मत कीजिए, सोच समझ के ऑर्डर कीजिए। जब फ्लिपकार्ट कंपनी से आप अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करेंगे तो फ्लिपकार्ट कंपनी खुद जो है आपके डिटेल्स को, उनका सिस्टम होता है वो बैंक उसे देखता रहता है कि कितने लोग कैसा ट्रांजेक्शन, वो कंपनी जो चेक करती रहती है, आप जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कैंसिल करते हैं वो कंपनी चेक नहीं करती, ये गलत है, कंपनी चेक करती है कि कस्टमर का रेटिंग कैसा है, कस्टमर किस बिहाफ का सामान ऑर्डर कर रहा है, क्यों बार बार कैंसिल कर रहा है, कंपनी सारा रिव्यू चेक करता है। फ्लिपकार्ट कंपनी के पास अलग अलग टीम होती है और अलग तरीके से चेकिंग भी होता है, तो ज्यादा कैंसिल ना करें, अच्छा खासा शॉपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहां से अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। साथ में सिविल स्कोर जरूर जनरेट कीजिएगा, और सिविल स्कोर जनरेट करने का बहुत आसान ट्रिक है, एक किसी भी कंपनी से एम मस्तो की बजाज कंपनी बेकार है, होम क्रेडिट कंपनी बेकार है, मेरा सिविल खराब कर देगा, मुझे फाइन चार्ज लगाएगा, अपना काम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। टाइम से बिल पेमेंट करोगे तो सिविल क्यों खराब होगा, आपका सिविल इंक्रीज होगा ना, सिविल तैयार है आपने यहां से कर लिया, सिविल आपने यहां से सिविल आपने तैयार कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और आपने अपना रिकॉर्ड इधर से भी बना लिए,
तो दोनों आपका मिल जा रहा है तो आपका एक रिकॉर्ड बन गया और कार्ड देना ही देना आपको मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए एक ट्रिक जरूर आजमाना, मेरा एक लास्ट ट्रिक है, इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है और आप कार्ड अगर लेना चाहते हो, तो अगर आपकी फैमिली अच्छी है, थोड़ा से पैसे आपके घर में आते हैं और आप जो है ज्यादा पैसों की दिक्कत भी नहीं है, तो बड़े अमाउंट का एफडी करवाइए। किसमें? कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी करवाइए एक बड़े अमाउंट का, और एफडी करवाने के बाद बिल पेमेंट कीजिए। 2 से 3 बिल पेमेंट हुआ, स्टेटमेंट लेके कार्ड टू कार्ड बेस पे एक्सिस बैंक अप्लाई कर दो। अब देखिए काफी सीटीओ में बंद हो गया है कार्ड टू कार्ड। मैं जब अप्लाई किया था उस टाइम मेरा अकाउंट नहीं था एक्सिस में, मेरा कार्ड अप्रूव हो गया था, अप्लाई हो गया कार्ड टू कार्ड बेस पे, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड एक्सेप्ट किए। मैं SBI कार्ड ले गया, HDFC बैंक कार्ड ले गया, मना कर दिया। मैंने बोला सर HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक है, SBI गवर्नमेंट बैंक है, इसका कार्ड आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे को मैडम ने मना कर दिया। मैं अमरौली से अप्लाई किया था, अमरौली 99 शॉपिंग पे ही पड़ता है एक्सिस बैंक का ब्रांच, मैं वहीं से अप्लाई किया था सूरत में ही, तो वहां से मेरे को मना कर दिया गया। बोला सर कोटक का कार्ड होगा तो उसी के बेस पे होगा, और यकीन मानिए कोटक कार्ड मेरा हो गया और कोई बैंक कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक का FD कार्ड करवा अगर लेते हैं, हाई लिमिट का, 20-25 का नहीं, कम से ना कम मेरे हिसाब से 75,000 प्लस आपकी लिमिट आना चाहिए, उसी की बेस पे करवाइए, एक ट्रिक लगाइए। अनसिक्योर कार्ड मिल गया, FD क्लोज कर दो, आपको अपना पैसा 3-4 महीने के लिए फंसाना है, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है। बाकी लक बाई चांस बैंक आपको दे दे प्रे अप्रूव ऑफर अपने मर्जी से, आपका लक अच्छा हो तो बात की बात है। तो कुछ ट्रिक मैंने आपको बताए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सो प्लीज एक लाइक के जरूर जाना, दोस्तों में शेयर कर देना, और मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। मुझे आप बताओ क्या मैंने जो बताया इस वीडियो में सही लगा या बुरा लगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।